अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज इंसान के समझ से दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे, वो आइंस्टीन सोच भी और पूरी दुनिया के लिए भी आसान बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिशियन थे, जिन्होंने थ्योरी और रिलेविटी और ई बराबर MC² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, और इसकी वजह से भी नोबेल प्राइज नवाजा गया। इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने के समझने के सलाह दी। लोगों समझते थे कि आइंस्टीन के पास एक्स्ट्रा फैशन ब्रेन है, आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दिमाग। इस बात के खुद आइंस्टीन को खुद अंदाज़ा था। वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी पर किसी हिस्से पर रिसर्च किया जाए, बल्कि उन्होंने एक्सटेस्ट दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी का जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर भी वहाँ जिसका आइंस्टीन का डर था, 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में अब तक आइंस्टीन का इंतकाल हो गया। ऑटोप्सी के लिए मौत का वजह जानने के लिए डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टीन के ब्रेन निकाल लिया। उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया की सबसे बड़े जीनियस का ब्रेन में आखिर क्या है। आइंस्टीन के ब्रेन चुराने वाला डॉक्टर थॉम्स थे, जिसके अपने साथ अनजान से ज़्यादा स्टडी करने की दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के डॉक्टर हार्वी को पता चला कि इस जॉब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टीन के बेटे अल्बर्ट से जैसे तैसे परमिशन ले ली। उसके बाद बाप के स्पेशल ब्रेन के छुपे राज से पर्दाफाश उठाकर उसके दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी ने एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन थे कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल के जॉब से भी हाथ धो बैठे थे। अपने पैथोलॉजिस्ट जोहादा भी आइंस्टीन का ब्रेन, जो पहले भी डॉक्टर हार्वी रिजर्व कर चुके थे, उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फील्ड हेल्प ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन के कई फोटेज ली। फिर उसको 240 छोटे छोटे टुकड़े करके पीसेज काट कर पीस को अलग अलग जार में रिजर्व करके बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी की अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया, दोनों मियां बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होने पड़ा, और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसर के शहर विचाटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगी। और यहां वो अपनी फ्री टाइम में आइंस्टीन के ब्रेन में खूब स्टडी करने की कोशिश की। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ब्रेन लेकर घूमते रहे। डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च न कर सके, उल्टा उनके मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और नौबत यहां तक आ गई कि उसका एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। जब स्टार्ट करने पर तभी उन्होंने अच्छा फैसला किया, इनको ब्रेन अलग अलग हिस्सों में दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्स रिसर्च के लिए भेजेंगे। ऐसा इसलिए किया। 1955 के बाद ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद, यानी 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर
एक स्टडी पब्लिश की गई। उसके ब्रेन अगले 20 साल के बाद जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरो पैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश किया जिनसे बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट कॉर्पस सोलियम नामक हिस्से में पाया गया। अब यहाँ थे कि जरूरी जानना है कि दो अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड इंसान जो भी काम करता था ब्रेन के एक हिस्सा में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्सों को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे हिस्सा के राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्मों को लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों को लेफ्ट ब्रेन बोलने के लिखने और समझने के मैथमेटिकल राइटिंग कैलकुलेशन यानी लिखने के दौरान काम करती थी जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिव एप को पहचानने और म्यूजिकल स्किल जिम्मेदारी होती थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस शब्द में कॉर्पस कॉलोकोर्टेक्स नाम का क्या कमाल फर्क कर करते हैं। कीबोर्ड पर टाइपिंग और रहे था और मोबाइल फोन पर इस दौरान हमारे डैश दोनों टाइपिंग करने पर मिली। कुछ अल्फाबेट सीधा हाथ से टाइप कर रहे हो तो कुछ उल्टा हाथ टाइपिंग के दौरान आपका लैप हैंड से एक सिस्मेटिक हो तो फौरन राइट हैंड उस मिस्टेक को इरेज किया हुआ। हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुए तो लेफ्ट ब्रेन फौरन सिग्नल देकर मिस्टेक को ठीक कर दिया। ब्रेन के दोनों हिस्से पर आपस में जिस थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं क्रॉप्स कोलोसियम कहते हैं। इस आइंस्टाइन के इस कैलकुलेशन आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा बड़ा था। उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जिसके वजह से आइंस्टाइन से एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इमेज कर सकते थे। कॉर्पस कोलम के बड़ा होने के अलावा एस्ट्रोजन के ब्रेन को पोर्टन भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तरिफ था। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन को फ्लो काफ़ी ज़्यादा थी। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने से इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रांग था। अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बगैर पेन पेपर को अपनी दिमाग की मदद करने से सोल्व बंद करने की काफ़ी हासिल रखती थी। न्यूरॉन ज़्यादा होने की और वजह के रिसर्च पेपर में बताता गया आइंस्टाइन की ब्रेन की वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था। आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी ब्रेन की लाइन काफ़ी पतली थी इसकी वजह से इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूरॉन पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहाँ था कि आइंस्टाइन एक ऐसा स्पॉइल्ड ब्रेन के साथ पैदा हुए थे। पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा होते थे वो पूरी जांच 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे कि दूसरे बच्चों 2 या 3 साल में बच्चे बोलना शुरू कर देते। तब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी ज़्यादा बोल पसंद नहीं करते थे बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को रहस्य करने की पावर काफ़ी कमी थी। उनको सिंपल मैथ के टेबल याद करने में भी मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर को लॉजिकल तरह से याद करते थे प्रोसेस करने के न कि उसे रट्टा लगाकर याद करने की। स्कूल लाइन्थ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ और साइंस में वाहिद यानी कि अच्छे नंबर लाते थे। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर आते थे वो साइंस था। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे उसके फैमिली टीचर ज्योमेट्री के बुक इसके पास भूल गए थे। हैरान की बात तो यह है कि एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली और सिर्फ इतना बल्कि 14 साल इंटीग्रल
डिफिट्रिंगल और मास्टर्क बन चुके थे। मैथ और साइंस की इसकी स्ट्रॉन्ग गिफ्ट थी। वो क्लास के रूम में सवाल पूछने के लिए हाथ रख कर करते थे। प्रोफेसर हरबाने लगे थे क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल टीचर के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस दुनिया के लोगों को छोटी क्योंकि बाद में करना चाहते थे, यही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करने के पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से पीएचडी की डिग्री और यूनिवर्सिटी की लिए आला क्रिएडार अदा करने के लिए सूरत में नोबल प्राइज से सम्मानित किया। इसका अंदाज आप इस बात से लगा ले आज की साइंटिस्ट की उन्थेसिस्ट के बिना बिल्कुल अधूरी है। कोई साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला और साइंटिस्ट के ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। सबसे बड़ी वजह थी कि जब उनके अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपनी दिमाग की मदद से जवाब का तलाश कर लेता था। छोटी उम्र में ऐसा करने से उसी हिसाब से ब्रेन डेवलप होता गया। आज भी इस साइंटिस्ट की आइंस्टाइन की ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में थेम मटर म्यूजियम में मौजूद है। बॉडी में हिफाजत से माइक्रो एस्प्रिस्क में रख दिया गया है। यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब को प्रेस करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें।